मैनपुरी की करहल सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार यादव चेहरे पर दाव खेला है। सीट पर सबसे ज्यादा जो चर्चा में पिछली बार रहे थे सर, आप रहे थे करहल सीट पर, आपके बयानों की वजह से वो सीट और ज्यादा चर्चा में थी। अखिलेश यादव को आपने चुनाव मैदान में उतारने को मजबूर कर दिया था। क्या लगता है सर, इस बार यादवगढ़ में ही आपस में टकराव? शोभन सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बने थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे और दर्शन सिंह जी भी चले गए और फिर दर्शन सिंह जी राज्यसभा में वहां से आए और शोभन सिंह जी विधायक लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन अभी मेरे वाले चुनाव में शोभन सिंह की जगह अखिलेश यादव लड़े थे और जो उसमें अभी उनको दिया नहीं है। उस समय सर आपने जब नामांकन किया था तो आपने एक ट्वीट भी किया था कि जो लोग अपनी सीट को परंपरागत या पुस्तैनी समझते हैं वो लोकतंत्र का अपमान है। क्या लगता है सर इस बार करहल? लोकतंत्र में हम नहीं कह सकते कि हमारा गढ़ है या हमारी परंपरागत सीट है या हमारी पुस्तैनी है। राजा की रानी, रानी के पेट से पैदा होने वाले लोगों का होता था कि उनको एकाधिकार होता था, बनना ही है, लेकिन अब तो जनता तय करती है। तो चुनाव से पहले जो लीड बता देते हैं वो लोग हैं जो बूथ कैप्चर में विश्वास करते हैं, जिनको पता है इतना बूथ हमें लूटना है तो इतना वोट पड़ेगा। और बाकी जनता ने अभी अभी पंजाब में के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री को 2 सीटों से हराया और स्वर्गीय बड़े बादल साहब चुनाव हारे हैं। मैं जब पैदा हुआ था तो वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो ये पब्लिक है, ये कुछ भी कर सकती है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि ये उपचुनाव यूपी का 27 की बुनियाद है सर। नहीं, करहल को 27 की बुनियाद की जगह वो ऐसा करें ना कि खैर को बुनियाद माने, खैर विधानसभा को बुनियाद अपनी माने, तो फिर हम मान लेंगे कि ये 27 का चुनाव है। तो अपनी बेस्ट सीट पर कह रहे हैं कि वो तय करेगी, तो फिर खैर तय करेगा ना कि 27 में किसका आएगा रिजल्ट आएगा। जो खैर का रिजल्ट आएगा वही सरकार फिर बनाएगा। जातिगत आंकड़ा भी असर डालेगा हमेशा, ये तो एक नंगा सच है। जात और गोत्र पे लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं आज भी कहना चाहूंगा कि यदि इस देश में जातवाद ना होता, उसमें हम जैसे लोग सफर करते हैं ना, जिनके 5 लाख वोट नहीं होते हैं एक लोकसभा पे, ये लोग तो चले जाते हैं अपनी सेफ सीटों पर। यदि इस देश में जातवाद ना होता और गोत्रवाद ना होता और अपनी अपनी जात के नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते और मोदी जी के लाभार्थी केवल अपने परिवार के साथ वोट डाल दें, तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटें हम जीत जाएंगे। 2022 में सर आप खूब चर्चाओं में थे जब आपने वहां से चुनाव लड़ा, आपने जमीनी हकीकत वहां की बहुत जानी है। क्या लगती है कि उस समय भी थे, क्या लगता है कि करहल का जो सियासी जो रुख है वो भाजपा का इस बार, क्या लगता है कि दो बार जब पिछली बार एक बार ये प्रयोग रहा कि जब एक बार यादव दमदार आदमी को लड़ाया गया था तो उस बार रिजल्ट आया। और आपको 93 में एक बात और पता होनी चाहिए कि सपा बसपा का गठबंधन था, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो शोभन सिंह यादव वहीं के रहने वाले थे, उनका प्रभाव था। तो जो हमारे अब के कैंडिडेट हैं प्रमिला यादव के पुत्र, तो वो भी वहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से जो बूथ कैप्चर नहीं होगा, हाई परसेंटेज नहीं होगी, अपना अपना वोट अगर डालेंगे और तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव। बीजेपी को इस बार सर लोकसभा चुनाव में यूपी ने कुछ निराश किया था, तो इस बार क्या लगता है कि ये उपचुनावों पर असर डालेगा ये फैक्टर? देखिए, अभी 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं, ये चुनाव को आप सेमीफाइनल नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि हम कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कभी भी नहीं, हम ये 9 की 9 जीत जाएंगे तो भी मैं नहीं कहूंगा कि ये सेमीफाइनल हम जीत गए हैं, क्योंकि 2.5 साल पहले इस दौरान गंगा जमुना में बहुत पानी बहेगा, बहुत से दौर आएंगे, बहुत से विकास होंगे, बहुत सी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, बहुत से गठबंधन होंगे। तो हम इसको आगामी विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल, मैं अपने विचार हैं कि मैं नहीं मानता। चलिए, तो करहल सीट चर्चाओं में है, अब देखने वाली बात होगी कि जो जीत का चेहरा है वो इस बार किसके सर सस्ता है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।